प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा, सिर पर पत्थर पटक कर कमर में 40 किलो का पत्थर बांधकर कुएं में फेंका। जिले की करेरा थाना पुलिस ने अंधेकत्व का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 9 अक्टूबर को अजबाबाई पत्नी रतन लोधी उम्र 55 साल निवासी ग्राम समोहा ने अपने पुत्र आनंद लोधी ग्राम समोहा की लाश हार के कुआ में देखी, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने मृतक आनंद लोधी की लाश को हार में बने कुएं से निकलवाया, कमर से पत्थर बंध पाया, जिससे मृतक आनंद की हत्या होने का संदेह हुआ। मृतक आनंद की लाश को कुएं से निकलवाया गया और पीएम के लिए भेजा गया। करेरा पुलिस ने मृतक की परिजन माँ, भाई, भांजा के बयान लिए हैं। मृतक की पत्नी रीनू का रविंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम समोहा से अवैध संबंध होना बताया गया है, जिसके आधार पर मृतक की पत्नी रीनू लोधी रविंद्र कुशवाहा से पूछताछ की तो मृतक की पत्नी रेनू ने अपने प्रेमी रविंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम समोहा, रविंद्र के साले राम बाबू कुशवाहा निवासी ग्राम बनगवा द्वारा मृतक आनंद लोधी को दिनांक 6 अक्टूबर की रात घर से अपने साथ ले जाकर शराब पिलाकर तीनों ने मिलकर आनंद लोधी के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर कमर से 40 किलो का पत्थर बांधकर हार में बने कुएं में फेंकना स्वीकार कर लिया, जिस पर से अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 19 अक्टूबर को आरोपी रविंद्र कुशवाहा, राम बाबू कुशवाहा, रेनू लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने जेल भेज दिया।